नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार ठेनुआ आज आपको बताऊंगा मैटलैब के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन टू मैटलैब। तो मैटलैब स्टैंड्स फॉर मैट्रिक्स लेबोरेटरी। मैट से बनता है मैट्रिक्स और लैब से बनता है लेबोरेटरी। तो ये मैटलैब की फुल फॉर्म हो गई। तो मैटलैब बेसिकली एक स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर प्रोग्राम है दैट इज़ ऑप्टिमाइज टू परफॉर्म इंजीनियरिंग इन साइंटिफिक कैलकुलेशंस। इंजीनियरिंग और साइंटिफिक कैलकुलेशन से उन्हें बेसिकली परफॉर्म करने के लिए इसे बनाया गया है। तो कोई सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या होता है, दैट इज सेट ऑफ प्रोग्राम्स ही तो होता है, ठीक है ना। और इट इज़ ए टेक्निकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बेसिकली ये इंजीनियर्स के द्वारा यूज़ की जाती है, इस वजह से इसे हम टेक्निकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। इट इज स्टार्टेड विद द सिंपल मैट्रिक्स मैनिपुलेशंस एंड ग्रोन विद द कैपेबिलिटीज ऑफ सॉल्विंग एनी टेक्निकल प्रॉब्लम। जब ये शुरुआत में स्टार्ट हुआ था तो सिंपल मैट्रिक्स की जो मैनिपुलेशंस हैं, मैट्रिक्स के जो ऑपरेशंस हैं, उन्हें परफॉर्म करने के लिए स्टार्ट हुआ था। लेकिन बाद में धीरे धीरे ये किसी भी टेक्निकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तैयार हो गया। इसमें जैसे जैसे अपग्रेड होते गए तो इससे आप कोई भी इंजीनियरिंग या टेक्निकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अ प्रेपरेटरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय मैथवर्क्स। तो बेसिकली इसे मैथवर्क्स ने डेवलप किया है। तो ये एक प्रोप्रेटरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बेसिकली इट इज़ नॉट अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए आपको कुछ पे करना होगा, ठीक है ना। तो ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। It provides a very extensive library of predefined functions to make technical programming task easier and more efficient. इसमें पहले से ही predefined functions हैं, पहले से इसमें बहुत सारी libraries हैं जिसकी मदद से आप कोई भी अपना program है उसे लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। It is superior on other languages like C, Fortran. ये बाकी जो languages हैं उनसे superior है। वो आपको जब आप फर्दर लेक्चर्स देखेंगे तो पता चलेगा कि किस तरीके से सुपीरियर है और किस तरीके से आसान भी है। तो मैटलैब कैन बी इंटरफेस्ड विद वेरियस हार्डवेयर्स लाइक TMS320C6713। बेसिकली एक ये DSP प्रोसेसर होता है। तो मैटलैब को हम कई सारे हार्डवेयर से भी इंटरफेस कर सकते हैं, जैसे कि DSP प्रोसेसर हो गया, आर्डिनो बोर्ड हो गया, ठीक है ना, जैसे माइक्रो कंट्रोल बेस्ड बोर्ड, बेसिकली FPGA फील्ड प्रोग्रामर गेट एरे, इस किट से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। NIDAC कार्ड है, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, हार्डवेयर्स हैं जिनसे आप इस सॉफ्टवेयर को कनेक्ट कर सकते हैं। टू इन्हांस द डेटा प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज ऑफ मैटलैब, जिससे एक मैटलैब की डेटा प्रोसेसिंग की कैपेबिलिटीज इन्हांस हो जाती हैं। इन हार्डवेयर की मदद से आप बाहर से डेटा को एक्वायर कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, डेटा को एक्सटर्नल डिवाइस पर भेज सकते हैं, या फिर आप मैटलैब की मदद लेके और इन हार्डवेयर पर डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं और रिजल्ट्स को फिर मैटलैब में देख सकते हैं। तो बेसिकली ये सपोर्ट करते हैं मैटलैब को, जिससे कि मैटलैब की और कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। रिसर्च डेवलपमेंट एंड डिजाइन चैलेंजेस। तो डिमांड्स और इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट आर इंक्रीजिंग। जो डिमांड है बेसिकली इंजीनियर्स पर और साइंटिस्ट पर, वो डे बाई डे बढ़ रही है। प्रोलिफरेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजीज। डे बाई डे जो टेक्नोलॉजी है वो चेंज हो रही हैं। तो डिक्रीज डेवलपमेंट टाइम एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो कोई भी प्रोडक्ट बनाना है उसके लिए जो उसका फाइनल उसे डेवलप करना है, या उसका जो टोटल प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल होता है, जिसमें वो शुरू से लेके लास्ट तक जहाँ से बनाना स्टार्ट किया और फाइनली आपने जो उसे एंड कस्टमर को दिया वहाँ तक की बात करते हैं, तो बहुत कम हो गया है समय। इस वजह से बेसिकली जो साइंटिस्ट और इंजीनियर उन पर प्रेशर बढ़ रहा है। तो प्रेशर टू मीट डेडलाइंस वाइल इवैल्यूएटिंग डिज़ाइन ट्रेड ऑफ्स। तो जो आपको डिज़ाइन बनानी है उसे मीट करने के लिए, क्या ये आपको कुछ प्रॉब्लम दे दी स्पेसिफिक कैसे करना है, तो आप पर एक प्रेशर रहता है कि हमें जल्दी से जल्दी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो सिंपली ये सब जो आपको डिस्कशन यहाँ पर किया जा रहा है, इसमें यही बताया जा रहा है कि समय की कमी हो रही है। जो इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उनके पास समय बहुत कम है और काम का प्रेशर ज़्यादा है कि आपको नई टेक्नोलॉजी को खोज के निकालना है और नए नए आपको कुछ इन्वेंशन करने हैं, ठीक है, कुछ नई टेक्नोलॉजी लेके आनी है और कम समय में लेके आनी है। तो रिसर्च करने के लिए समय कम मिल रहा है, तो कम समय में ज़्यादा आउटपुट की बात हो रही है बेसिकली। तो वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड टास्क दैट आर रियली स्ट्रेट फॉरवर्ड। और जो काम भी मिल रहा है वो जरूरी नहीं है एकदम सीधा है। ज़्यादातर काम तो टेढ़े ही होते हैं, खास करके इंजीनियर्स और साइंटिस्ट को जो काम मिलेंगे दैट आर नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो इस वजह से प्रेशर आ जाए कि जल्दी से जल्दी काम कैसे किया जाए। तो एक्सपेरिमेंट एंड प्रोग्रामिंग इज एक्सपेंसिव। एक ये भी पॉइंट है कि जो एक्सपेरिमेंट करना और प्रोग्रामिंग करना एक्सपेंसिव है। तो बेसिकली इन सारी चीज़ों को, ये जो सारी समस्या है, इसका समाधान मैटलैब है। मैटलैब बेसिकली रिसर्च पर्पज़ के लिए काफ़ी यूजफुल है, क्योंकि मैटलैब में आपने अगर एक सपोज मान के चलिए कि आपको एक बोर्ड प्लॉट की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो बोर्ड प्लॉट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में अगर आप हाथ से कर रहे हैं तो 10 मिनट लगते हैं अप्रॉक्स। मान लीजिए 10 से 15 मिनट लग रहे हैं, हमने मान लिया 10 मिनट, आप बहुत अच्छे हैं तो आप 10 मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपसे कह दिया जाए कि इस प्रॉब्लम को ही थोड़ा थोड़ा चेंज करके
उसका जो ट्रांसफर फंक्शन है उसे थोड़ा चेंज करके सेम प्रॉब्लम को 1000 टाइम्स करना है, 1000 बार आपको करना है, और उसमें जो रिजल्ट्स आएंगे उसे लेके ग्राफ बनाना है, तो उससे हम पता कर पाएंगे कि क्या सिस्टम का बेसिकली एनालिसिस हम कर सकते हैं। तो 1000 बार करने के लिए आप समझ सकते हैं, एक बार करने में 10 मिनट लग रहा है, तो 1000 बार करोगे तो कितने हो जाएंगे, 10,000 मिनट्स हो गए। उसके बाद आपकी एक्यूरेसी भी एक जैसी नहीं रहेगी, शुरुआत में आपने जितनी एक्यूरेसी से स्टार्ट किया था जो पहली प्रॉब्लम की थी, तो लास्ट तक आपकी वो एक्यूरेसी तो नहीं रहेगी, मशीन थोड़ी हो आप, क्लियर है ना। तो एक्यूरेसी भी जाएगी और टाइम कितना जाएगा, तो अगर वही काम आप मैटलैब से करें तो वो काम सेकंड्स में होता है, जो आप इतने 1000 मिनट में कर रहे हो उस काम को करने में कुछ ही घंटे लगेंगे और आप उस काम को ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ जो 10 मिनट वाली प्रॉब्लम है उसे करने में आपको 1 मिनट नहीं लगेगा, तो हम टाइम बचा पा रहे हैं अपना रिसर्च में। तो बेसिकली वही ऑब्जेक्टिव है मैटलैब का। उसके बाद एक्यूरेसी भी एकदम ओके रहेगी, क्योंकि मशीन है तो गलती तो नहीं करेगी। मशीन का ऐसा नहीं है कि सुबह से लेकर शाम तक मशीन चल रही तो उसमें कुछ ऐसा सुबह कुछ अलग रिजल्ट दे रही थी, शाम को कुछ अलग देने लग जाएगी, ऐसा तो नहीं है। ह्यूमन तो मिस्टेक कर सकते हैं, मशीन नहीं करेगी उस केस में। ना तो कैपेबिलिटीज़ और मैटलैब कैपेबिलिटीज़ की बात करें तो यहाँ पर आप न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन कर सकते हैं, डेटा एक्सेस, डेटा एनालिसिस एंड विजुलाइजेशन, कोई भी डेटा है आप उसे एनालाइज कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं, कहीं से डेटा को एक्सेस करना है वो आप कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग एंड एल्गोरिथम डेवलपमेंट, आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, कोई एल्गो डेवलप कर सकते हैं। एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट, आप एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं और उसे डिप्लॉय कर सकते हैं जिससे कि आप उसे थर्ड पार्टी को दे सकें, जो यूजर है उसे दे सकें। तो दी जा द कैपेबिलिटीज ऑफ मैटलैब। तो डेटा एक्सेस में बेसिकली क्या है, कोई स्टैंडर्ड और साइंटिफिक डेटा है किसी भी फाइल फॉर्मेट में हो, एक्सेल है, डेटाबेस है किसी से, तो वहाँ से आप उसे एक्सेस कर सकते हैं आसानी से मैटलैब में। उसके बाद हार्डवेयर से कनेक्टिविटी है, डेटा एक्विजिशन हार्डवेयर होते हैं जैसे डेक कार्ड हो गया, उसकी मदद से आप डेटा एक्वायर कर सकते हैं फ्रॉम एक्सटर्नल हार्डवेयर, ठीक है, या फिर कोई स्टैंड अलोन इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइस है, उससे भी आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। डेटा एनालिसिस एंड विजुलाइजेशन, आप डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ प्री प्रोसेसिंग के लिए इसे फास्ट एंड एक्यूरेट एनालिसिस, कॉरिलेशन ऑपरेशन है वो करना है, फोरियर एनालिसिस में फिटिंग करना है, बेसिक स्ट्रेंथ कर्व फिटिंग करना है, वो सब आप इसमें कर सकते हैं। कुछ बिल्ट इन ग्राफिक्स हैं फॉर इंजीनियरिंग एंड साइंस, 2D प्लॉट्स, 3D प्लॉट्स, ये सब आप कर सकते हैं, ठीक है ना। इंटरेक्टिव टूल्स हैं टू एनोटेट, एनालाइज एंड कस्टमाइज, जो आपका प्लॉट आ रहा है बेसिकली आप उसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो फिगर विंडो में वो आपको सब कुछ मिलेगा, आगे फर्दर आप ये देखेंगे किस तरीके से होता है। देन एडवांटेज ऑफ मैटलैब फॉर टेक्निकल प्रोग्रामिंग, मेनली इसके एडवांटेज क्या है, ईजी टू यूज़, बेसिकली बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, जब आप इसे यूज़ करेंगे तो पता चलेगा कि ये कितनी आसान है। अगर आपने पहले कभी सी सीखा होगा तो आप उससे कंपेरिजन भी कर पाएंगे कि कितना आसान है मैटलैब। उसके बाद प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ये किसी प्लेटफॉर्म पर डिपेंड नहीं करती है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, आप इसे किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में चला सकते हैं। प्री डिफाइंड फंक्शंस, इसमें प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं पहले से ही, पहले एक बार जो आपने काम कर लिया उसे आपको बार बार करने की आवश्यकता नहीं है, या फिर कह सकते हैं और किसी ने कोई काम कर लिया और उसे मैटलैब में कंट्रीब्यूट कर दिया, सबमिट कर दिया, तो आप उसका फंक्शन यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बार बार एक ही काम के लिए फंक्शन लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो पहले से ही प्री डिफाइंड फंक्शंस रहते हैं। डिवाइस इंडिपेंडेंट प्लॉटिंग, जो प्लॉटिंग है, प्लॉट्स आ रहे हैं वो डिवाइस पे भी इंडिपेंडेंट है, ऐसा नहीं है कि किसी डिवाइस में कुछ प्लॉट बन के आ रहा है, दूसरी में वो कुछ और चेंज हो गया, ठीक है, तो वो एक जैसा प्लॉटिंग मिलेगा सभी डिवाइस पे। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को भी सपोर्ट करता है, GUI। उसके बाद मैटलैब कंपाइलर, इसमें मैटलैब कंपाइलर भी होता है। उसके बाद डिसएडवांटेज की बात करें तो इसका जो डिसएडवांटेज, बेसिकली दो डिसएडवांटेज हैं, एक है स्लो स्पीड और दूसरा है कॉस्ट। तो बेसिकली इट इज़ ए इंटरप्रेटेड लैंग्वेज रादर देन कंपाइल्ड वन, तो कंपाइलर बेसिकली अलग से आने लगा है, ठीक है ना, मैटलैब कंपाइलर। और एक्चुअल में ये जो लैंग्वेज है दैट इज़ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, जिसमें लाइन बाई लाइन एग्जीक्यूशन होता है, तो लाइन बाई लाइन होता है तो इसका अपना फ़ायदा है कि लाइन बाई लाइन हो रहा है तो एक ही लाइन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जैसे सी में आपको पूरा प्रोग्राम लिखना होता है उसके बाद ही एग्जीक्यूशन हो पाता है, इसमें ऐसा नहीं है, यहाँ पर एक लाइन को ही आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो इससे हमें डिबगिंग करने में आसानी रहती है, प्रोग्राम को आप आसानी से लिख सकते हैं एक एक लाइन को समझ के, तो वो थोड़ा आसान है, लेकिन उसके एवज में हमें नुकसान ये मिल रहा है कि इसकी स्पीड स्लो हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन इसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन भाई प्रॉपरली स्ट्रक्चरिंग द मैटलैब प्रोग्राम, अगर आप मैटलैब प्रोग्राम को प्रॉपरली स्ट्रक्चर करते हैं, अब एक कोई प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने के लिए कोई पर्सन है वो लिख रहा है 20 लाइन, और उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसी ने 5 लाइन ही लिखी, तो उसने प्रॉपरली स्ट्रक्चर किया प्रोग्राम को, तो 5 लाइन को एग्जीक्यूट करने में कम समय लगेगा और 20 लाइन को एग्जीक्यूट करने में ज़्यादा समय लगेगा। तो आप अगर प्रोग्राम को प्रॉपरली स्ट्रक्चर करते हैं तो
स्पीड को थोड़ा मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद कॉस्ट, ओनली कॉस्ट इफेक्टिव फॉर बिजनेस, बिकॉज ये हमने पहले ही बताया कि फ्री सॉफ्टवेयर नहीं है, काफ़ी कॉस्टली है, तो बिजनेस के लिए कॉस्ट इफेक्टिव है, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाई स्टूडेंट वर्जन, अगर आप स्टडी कर रहे हैं कहीं भी उसमें, तो आप स्टूडेंट वर्जन यूज कर सकते हैं, मैटलैब एंड सिमुलिंक स्टूडेंट सूट, दैट्स कॉस्ट अप्रॉक्स $89, जिसका लिंक भी दिया हुआ है, आप उससे जा सकते हैं। अल्टरनेटिव टू मैटलैब, मैटलैब के कुछ अल्टरनेटिव्स ही अवेलेबल हैं। तो मैटलैब इज एन एक्सीलेंट सॉफ्टवेयर, इसमें कोई दुराय नहीं है कि मैटलैब एक अच्छा सॉफ्टवेयर नहीं है, डेफिनेटली बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, बट इट इज़ कमर्शियल एंड इट्स प्राइस इज़ वेरी हाई। तो ये कमर्शियल है और इसका प्राइस है बहुत हाई होता है, तो इसके कुछ अल्टरनेटिव्स ही हैं, जैसे जिसमें ऑक्टेव है, ऑक्टेव, साइलैब, फ्री मैट, ये इसके कुछ अल्टरनेटिव हैं, जो काम मैटलैब करता है वो काम ये भी कर सकते हैं। बट ईच वन हैज़ प्रोज एंड कॉन्स, सभी के अपने अपने फ़ायदे और नुकसान हैं, तो थोड़ा इनमें आप काम करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। फ्री तो है, लेकिन फ्री वाली चीज़ में और पैसे वाली चीज़ में आप अंतर तो जानते ही हैं, तो आप यूज़ करेंगे तो पता चलेगा। देन एप्लीकेशंस की बात करते हैं, तो टेक्निकल कंप्यूटिंग, मैटलैब यूज फॉर द मैथमेटिकल कंप्यूटेशन, एनालिसिस, विजुअलाइजेशन, एल्गोरिथम डेवलपमेंट, कंट्रोल में भी इसका यूज है, ठीक है, डीएसपी एंड कम्युनिकेशन सिस्टम डिजाइन करना है उसमें भी यूज है, टेस्ट एंड मेजरमेंट में, मैटलैब टूल्स फॉर कम्युनिकेटिंग विद कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम एक्सटर्नल हार्डवेयर, टेस्ट मेजरमेंट में आता है, इमेज प्रोसेसिंग, फाइनेंशियल मॉडलिंग एनालिसिस, बहुत सारे टूल बॉक्सेस है जिसमें इसका एप्लीकेशन है। इंडस्ट्री में बात करते हैं, तो एरोस्पेस, डिफेंस में हो गया एप्लीकेशन, ऑटोमोबाइल्स में हो गया, ऑटोमोटिव्स, बायोटेक, फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल, एजुकेशन में है, कम्युनिकेशन में, तो कोई ऐसा सेक्टर नहीं बचता है जिसमें मैटलैब का यूज ना हो। इसी वजह से मैं कह रहा था कि मैटलैब आपको आना चाहिए, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, लेकिन मैटलैब आपको आना चाहिए। मैटलैब आप आएगा तो डेफिनेटली उसे कहीं ना कहीं आप यूज़ कर पाएंगे। उसके बाद बात हम करते हैं मैटलैब के वर्जन्स की, तो मैटलैब का पहला वर्जन था वो 1984 में आया था, उसके बाद उसका वर्जन 2, मैटलैब 2 जो है वो 86 में, तो आप देख रहे हैं 2 साल बाद इसे अपग्रेड किया, 2 हुआ, फिर 3 हो गया 87 में, ठीक है, और फिर 4 आया वो 1992 में आया, काफ़ी डिफरेंस हो गया, इस तरीके से ये अपग्रेड होता गया। तो मैटलैब 7 तक आप देखें तो इसके पहले वर्जन्स थे 4, 5.0, 6.0, फिर 6. समथिंग आया जो हमने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया। इस तरीके से 7 के बाद इसका थोड़ा सा अलग डिफरेंट टाइप से इसका थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन होना शुरू हो गया। जैसे 7 है, 7.2 देखें तो वो 2006 में आया, तो R2006A कर दिया मार्च में, और उसके बाद फिर 7.3 हुआ, जैसे R2006B कर दिया जो सेप्टेम्बर 2006 में हुआ। तो एक साल में बेसिकली 2 बार अपग्रेड होने लगा ये मैटलैब है, 2006 के बाद से आप देखेंगे तो ये 2 बार अपग्रेड होता है, एक बार मार्च में अपग्रेड होता है, मार्च में कभी लेट हो जाता है, अप्रैल भी हो जाता है, ऐसे ही सेप्टेम्बर होता है। तो सेप्टेम्बर में जो होता है उसे बी के नाम से जानते हैं, उस ईयर का नाम आ जाएगा R2000 जो ईयर है 6 देन बी, ठीक है ना, और पहला वाला होता है जो मार्च में R2006A। इसी तरीके से ये हमने 2012 में दिखाया है, तो R2012A B, क्लियर है। इसको कम लोग जानते हैं कि 7.14 हो गया, ये नहीं पता है, लेकिन आपको ईयर के हिसाब से इसे पता है, क्लियर है। तो अगर मैं करेंटली बात कर रहा हूँ, जनवरी 2016 में बात कर रहा हूँ, तो मार्केट में कौन सा अवेलेबल होना चाहिए बता सकते हैं आप? डेफिनेटली R2015B, क्योंकि जनवरी 2016 है, तो जो नेक्स्ट अपग्रेड आएगा 2016 का जो आएगा वो मार्च में आएगा, तो R2016A आएगा मार्च में, और जो लेटेस्ट हुआ है, क्यों जनवरी से पहले जो हुआ है तो सेप्टेम्बर 2015 में हुआ होगा, दैट इज़ R2015B, क्लियर है। तो आप आसानी से बता सकते हैं, कभी भी आपसे कोई मैटलैब के वर्जन के बारे में पूछे कौन सा वर्जन लेटेस्ट है, तो आई थिंक आप उसे बता सकते हैं। तो आई थिंक आपने इसे एंजॉय किया होगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं, और मेरी मेल आईडी matlabyrkt@gmail.com। आई थिंक यू हैव एंजॉय दिस लेक्चर, थैंक यू।